बारिश में अक्सर बाढ़ जैसी चुनौती झेलने वाला बिहार का दरभंगा जिला इन दिनों गंभीर जल संकट की वजह से सुर्खियों में है। गिरते जलस्तर से तालाब सूख गए हैं, हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया है। जो है सो मतलब चापाकल में भी पानी नहीं दे रहा है और ये पानी जो है सो सूख गया है। पशु तो पानी के लिए मतलब छटपटा रहा है। अगर सुबह उसके लिए 4:30 बजे उठना पड़ता है और चापाकल पे लाइन लगी हुई रहती है, उसमें 500 आदमी खड़ा रहता है वो पानी के लिए। पानी के लिए हाहाकार मचने के बाद शुरू हुआ टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम। हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे अधिकारी भी जल स्तर में आई भारी गिरावट से हैरान हैं। तालाब के माध्यम से ही पानी नीचे आता है और नीचे जाकर रिचार्ज करता है, तो अगर पानी का लेवल डाउन गया है इसका कोई कुछ कारण तो हो सकता है। दरभंगा में तो आपका सिंपल हैंडपंप से काम होता था पहले, इतने तालाब थे यहाँ पर। दरभंगा जिले में पानी की ये किल्लत रातों रात नहीं हुई है, एक लंबा सिलसिला है। दरअसल देश के दूसरे शहरों की तरह यहाँ के तालाबों को भी भू माफियाओं की नज़र लग गई। 1962 में यहाँ पर 300 से 400 तालाब थे, पर अब 40 से 45 ही तालाब बचे हैं। यहाँ लगभग 300 तालाब थे जो अभी सिकुड़ के थे सारे तालाब, अब लगभग नगर निगम का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 40 बचे हैं और बाकी भू माफियाओं ने इसको कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने तालाबों पर अवैध कब्जे और जिले में मंडराते इस जल संकट को लेकर प्रशासन को चेताया नहीं था। तालाब बचाओ समिति से जुड़े लोगों ने 2013 में तालाबों को बचाने की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने सुना ही नहीं। मैंने 1 दर्जन से ज्यादा मैंने वाटर एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के इस देश का और राज्य का कानून है, इन सारे कानून का और नगर निगम का कानून है, इन सारे कानूनों को हवाला देते हुए हम लोगों ने दिया था, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक एक भी तालाब माफिया को दंडित नहीं किया गया। अधिकारी ही नहीं, समाज ने भी तालाबों की तबाही पर अपनी आंखें बंद रखी हैं। इसका नतीजा है पानी के लिए मची ये मारामारी। अगर अब भी लोग नहीं चेते और तालाबों की पूरी व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो भविष्य में जल के संकट को और गहरा होने से इनकार किया नहीं जा सकेगा। बिहार के दरभंगा से आरती कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।